हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ढोकले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ढोकला बहुत ही टेस्टी बनता है, घर पे एक बार बनाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए हमें पहले एक कटोरी बेसन लेना है और एक कटोरी बेसन में हम पानी डाल के और नमक डाल के इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। जिस तरह से हम केक का बैटर तैयार करते हैं उसी तरीके से ढोकले का बैटर तैयार करना है। और इसके बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, तो अच्छे से इसको फेंट के बेसन को मिला लीजिए। अब इसमें आधा पाउच इनो का डालिए। एक छोटी कटोरी बेसन में आधा पाउच बहुत होता है। और उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के इनो को एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद इसका बैटर रेडी हो जाएगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। उसके बाद एक पैन में आप ग्रीस करिए और जो आपने बैटर बनाया है उसको डाल लीजिए। उसको डालने के बाद अच्छे से टैप कर लीजिए कि इक्वल हो जाए। अब एक कढ़ाई में पानी गर्म करके उसमें स्टैंड रखिए और ये पैन इसमें रख दीजिए। इसको हमें लगभग 15 मिनट तक पकाना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम डोसे का सिरप रेडी कर लेते हैं। उसके लिए आप एक कढ़ाई में ऑयल लीजिए और ऑयल के साथ इसमें हम डालेंगे सरसों दाना या राई, जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। सरसों दाना डालने के बाद हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और 4 से 5 चम्मच चीनी। चीनी के साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे काट के और 2 चम्मच सिरका। इन सबको डालने के बाद हमने इस पानी को अच्छे से बॉईल करना है, जिससे सब चीज़ों का टेस्ट पानी में आ जाए। अब ये सिरप बनके तैयार है। इसके साथ हम देखते हैं ढोकला बना है या नहीं। ढोकले को चेक करने के लिए इसमें एक चक्कू डाल के देखिए। अगर चक्कू बिल्कुल साफ़ वापस आता है तो यानी ढोकला हमारा रेडी है। देखिए चक्कू एकदम साफ़ है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे एक प्लेट में लेके इस तरह से उल्टा कर लीजिए और हल्का सा टैप कीजिए। टैप करने से बाहर आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा ढोकला बना है, बिल्कुल स्पंज जैसा सॉफ्ट ढोकला है एकदम। अब इसके हम कट करके पीसेस बनाएंगे। ढोकले के पीसेस आपको जिस शेप में जितने बड़े चाहिए उतने बड़े आप काट लीजिए। और ये काटने के बाद भी एकदम सॉफ्ट मुलायम है। इन पीसेस के ऊपर हम धीरे धीरे जो सिरप बनाया है वो डालेंगे। ढोकला आप इसी रेसिपी से बनाकर देखिए और इसी मेजरमेंट से आपका ढोकला भी बहुत ही अच्छा और स्पंजी बनेगा और टेस्टी बनेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये देखिए इतना ही सॉफ्ट और जालीदार ढोकला आपका तैयार है। अब इन ढोकले के पीसेस के ऊपर वो तैयार मिक्सचर हम डालेंगे जो हमने इसका सिरप रेडी किया था। वो हर एक ढोकले के पीस के ऊपर अच्छे से डाल दीजिए, जिससे कि पूरा अंदर तक वो रच जाए और ढोकले में इस सिरप का टेस्ट अच्छे से आए। आप इस सिरप में पीसेस डाल के भी इनको एक बार डिप करके निकाल सकते हैं, उससे भी पीसेस अच्छे से टेस्टी बन जाएंगे और उनमें सिरप का टेस्ट आएगा। तो ये गरम गरम सिरप डालिए ढोकले के ऊपर, जिससे कि अच्छे से रच जाए। सारा सिरप डालने के बाद ढोकला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।